वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विवाद है पवन कुमार। अभी मैं हैदराबाद में नहीं हूँ। हैदराबाद से 160 किलोमीटर दूर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में डिचपल्ली गांव में आया हूँ। यहाँ पर किला रामालयम यानी कि डिचपल्ली रामालयम भी बोलते हैं इसको, ये मंदिर मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। ये ब्लॉग एक मंदिर का होने वाला है तो ज़रूर पूरा देखिए। आपको मेरे मंदिर के ब्लॉग्स देखना है तो टेम्पल्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप अगर ओन व्हीकल्स लाते हो तो यहाँ पर पार्क कर सकते हो, कार या टू व्हीलर भी पार्क कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर कल्याण मंडप है। ये मंदिर राम भगवान का मंदिर है तो हर साल रामनवमी के दिन इसे ये रथ को खींचा जाता है। अगर पार्क करते हो तो उसके बाजू ही आपको मंदिर की एंट्री मिल जाएगी। ऐसे आपको एंट्री ऐसे दिखेगी। और ये स्टेप्स 105 स्टेप्स है, 105 स्टेप्स है ऊपर जाने के लिए। और ऊपर जाने के बाद मैं इसकी कुछ हिस्ट्री आपको बताऊंगा। मैंने अपने चप्पल यहाँ पर उतार दिया है और इसमें चलते हैं। चढ़ के आ गया हूँ। ये डिचपल्ली गांव है और यहाँ पर आप देख सकते हो टैंकी है, वाटर टैंकी। ऑलमोस्ट इतने स्टेप्स तो चढ़ लिया और ये स्टेप्स है और वहाँ से अंदर जाने को है अपन को। आप अपने चप्पल यहाँ पर भी स्टैंड है यहाँ पर भी छोड़ के आ सकते हो और नीचे भी लगा के आ सकते हो। इस तरफ देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक छोटा सा प्लेग्राउंड जैसा है और कुछ झूले और ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पर। और एंशियंट टेम्पल है ये। और यहाँ पर गणेश की मूर्ति है, गणेश जी की। और ये नवग्रह है। मैं ऊपर आ चुका हूँ और मंदिर बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा है। मैं आपको उसका सिनेमैटिक शॉट्स दिखाऊंगा और इसकी हिस्ट्री कुछ बताना चाहूंगा। और ये 14th सेंचुरी में काकतिया रूलर्स ने इसे बनवाया था। ये साउथ इंडिया का
खजुराहो माना जाता है, खजुराहो इंदौर खजुराहो भी बोलते हैं इसको, और निजामाबाद खजुराहो भी इसे बोला जाता है। और स्ट्रक्चर ये सब बहुत ही अल्टीमेट है इसका, और जरूर आप विजिट करना यहाँ पर। हैदराबाद से अगर आते हो तो आपको बहुत ही आसान पड़ेगा, 160 किलोमीटर में ही है, जरूर विजिट करना अगर आप दूसरे स्टेट्स और सिटीज से हो तो। आप मेरे पीछे देख सकते हो उसका स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, वही मेन राम मंदिर है, वहाँ पर राम और लक्ष्मण सीता की मूर्ति है अंदर। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर वनवास के टाइम पे सीता माता को ढूंढते हुए राम यहाँ पर आए थे, तो इसीलिए इसे काकतिया रूलर्स ने बनाया है। तो आप इसके पीछे ही देख सकते हो बड़ा सा लेक है। पीछे डोर है, इसमें ही सीता माता और राम की मूर्ति है, और यहीं पर पूजा होता है, लेकिन पता नहीं अब तो क्लोज है, यहाँ पर फोटोग्राफी भी हो रही है। आप लोग हैदराबाद से ट्रेन या ओन व्हीकल से यहाँ पर आ सकते हो, या निजामाबाद आकर भी वहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हो। मंदिर के चक्कर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर बेंचेस भी है, बैठने के लिए सुविधा भी दी गई है, तो यहीं पर बैठा था। और इस मंदिर के ऊपर एनिमल्स, डेविल्स और एरोटिक स्कल्पचर्स इसके ऊपर है, और ये इसके पिलर्स, सीलिंग्स सभी बहुत ही ज्यादा डिजाइन से बनाया गया है, जबकि प्लानिंग के हिसाब से बनाया गया है, 14th century में इसे बिल्ट किया था। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही है, और ये एक फोटोग्राफी हो रही है, और एक उसके पीछे एक हो रही है, और यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है, और मैरिज के पहले जो फोटोग्राफीज निकालते हैं उसके लिए भी अच्छा। साइड्स में ये कुछ बने हैं, इसके ऊपर ठहर कर आप डिचपल्ली विलेज को देख सकते हो। चलो चलते हैं अपन भी, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन चढ़ना। मैं तो आपके लिए कहीं पर भी चढ़कर चले जा सकता हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट करिए मुझे भी,
और भी ऐसे ही मैं आपको प्लेसेस जर्नी सब दिखाते ही रहूंगा। और आप देख सकते हो डिचपल्ली विलेज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से। और ये तालाब है, तालाब के ठीक बगल में ही ये ब्यूटीफुल मंदिर। और उस तरफ सीढ़ियां है और उस तरफ आपको दर्शन करने को मिलेगा। और आप ये देख सकते हो यहीं से मैं आया था। और वो पेड़ के नीचे से उस तरफ, और इस दीवार पे आप देख सकते हो यहाँ पर होने वाले कार्यक्रम और पूजा का सब डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये तेलुगु में है। और यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। ये देखने के बाद मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं फोन से ब्लॉगिंग करता हूँ तो मुझे अब चार्ज करना है। अभी तक मैं वहाँ था और अभी यहाँ से देख। यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और थैंक यू सो मच, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना और ऐसे ही मैं ब्लॉग्स बनाते रहूँगा और दूसरे दूसरे स्टेट्स को जाते रहूँगा।